हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केडॉक्स। ये वीडियो एक शॉर्ट क्यू एंड ए टाइप्स होगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स में हमने देखे हैं और हम सबके रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स के लिए हमने वीडियोस बना के रखे हैं। आप प्लीज़ एक बार हमारी कोविड की जो प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ दी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे। रियली सॉरी कि हम सबकी रिप्लाई और हेल्प नहीं कर पाते हैं, बट प्लीज़ इस बात को समझिए। कुछ फ्रीक्वेंटली आज व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आए हैं, उनको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। डॉक्टर हिमांशु हैं, वो सेकंड पार्ट बनाएंगे। हम लोगों ने टोटल 30-40 क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, और उनको हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अभी स्क्रीन पे मैं सारे क्वेश्चन जो मैं आज इस पार्ट में बताने वाला हूँ वो आपको दिख जाएंगे। प्लीज़ आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके, अगर आपके काम का उसमें क्वेश्चन का आंसर है तो आप देखो, नहीं है तो यू कैन वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच विल बी वेरी हेल्पफुल। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सवाल देखूं जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा गया है, वो है कि क्या छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होता है? तो यस, कोरोना वायरस किसी भी एज को इन्फेक्ट कर सकता है। इवन जो न्यूबॉर्न, जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा है, उसको भी इन्फेक्शन होता है। तो आपका ये डेफिनेटली है कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, सारे प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि क्या कोविड मदर जिसको हो रखा है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है कि नहीं? तो वंस अगेन इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और इसका सिंपल सा आंसर है कि येस, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं रिस्क के कंपैरिजन में। जितनी बड़ी एजेंसीज हैं, WHO है, इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, गाइनी की जो फेडरेशन हैं, सब ने यही चीज़ कहा है कि प्लीज़ कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं आइसोलेट करने से। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो वो जो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी ने बनाई हैं वो बच्चे को मिल जाती हैं, तो विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। बस बात क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मास्क पहने, अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखें, साफ रखें, और पूरे हाइजीनिक प्रिकॉशन जो हैं उसके साथ आप डेफिनेटली विदाउट एनी डर आप करवा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को बिना परेशान हुए। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा कि अभी भी लोग जो खाने की सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं उनको अल्कोहल रब से या साबुन के पानी से धो रहे हैं, सर्फ से धो रहे हैं। प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो पोरस होती हैं, भले हमें अपनी आँखों से नहीं दिखे बट उनमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, और जब भी आप उसको पानी से, साबुन के पानी से धोते हो या अल्कोहल लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसके थ्रू आपके शरीर में आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके शरीर के लिए। तो प्लीज़ अवॉइड वॉशिंग ऑल योर खाने की जो चीज़ें हैं, फ्रूट, सब्जियाँ, ये सब मत धोइए साबुन के पानी से। और इससे अगर आपको चिंता है और साफ़ करना है तो बेस्ट चीज़ है कि नमक डाल के आप पानी में हो सकते हैं, या जो बेकिंग सोडा, जो ईटिंग सोडा होता है खाने के लिए, आप उसको पानी में मिला के उनमें सब्जियों को धो सकते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है। प्लीज साबुन के पानी से मत धोइए खाने की चीजों को। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना भी कोविड हो सकता है? तो यस, इसका आंसर भी यस है। इसके लिए समझना होगा कि जो कोविड जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, और कई बार ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है, WHO ने और यूनिसेफ ने भी बताया है कि ये जो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं ये कई बार हवा में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय के लिए तो नहीं लेकिन कुछ समय के लिए रहते हैं। तो अगर किसी कोई कोविड इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ पे खड़ा था, उसने छींका या खांसा, तो वो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो उस हवा में रह जाते हैं, और फिर वहाँ से वो जाने के बाद अगर कोई और आता है और उसने मास्क नहीं पहना, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो डेफिनेटली विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि देयर आर स्पेकुलेशन कि अगली वेव भी आने वाली है इंडिया में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या किसी को अगर लक्षण नहीं है तो क्या वो इंसान कोविड को फैला सकता है? तो येस, इसका आंसर ये हाँ है। पहले एक वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है कि जो प्री सिम्टोमेटिक फेज़ होता है, जैसे आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो जो ये वाला पीरियड है प्री सिम्टोमेटिक फेज़, इसमें 44% इन्फेक्शन होता है, और इसीलिए शायद हम अभी तक कोविड को काबू नहीं कर पाए हैं। तो येस, प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो भी अगर आपके अंदर कोरोना वायरस है तो आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि क्या पेट्स को इन्फेक्शन कोविड का हो सकता है? मेरे पास भी एक बहुत प्यारी सी गोल्डन रिट्रीवर है और मेरे को भी यही वरी थी। ये देखो,
तो एनीवेज, तो डेफिनेटली देर न्यूज़ में कुछ आया है कि कुछ एनिमल्स में शेर या लायन था जिसमें ये चीज़ हुई है, बट देर इज़ नो रिलायबल रिसोर्स जिसने ये चीज़ कहा है कि जानवरों को भी ये चीज़ हो रही है। तो बट इसीलिए हम लोगों को अभी अपने पेट्स को बहुत केयरफुली रखना है और ध्यान रखना है कि उनको ये स्प्रेड हमारे से ना हो जाए। तो जब भी आप बाहर से आते हैं तो प्लीज़ बिना हाथ पैर धोए, बिना अपने आप को साफ़ किए, कपड़े चेंज करके किए बिना अपने पेट से ना मिलें। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि क्या पेट्स के फर से और उनके स्किन से दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है? तो अगेन इट इज़ नॉट सीन, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी के फर से इन्फेक्शन फैल जाए या किसी पपी के या कैट के फर से हम लोगों को इन्फेक्शन फैल जाता है। तो प्लीज़ केयरफुल रहना ज़रूरी है जब तक कि हमारे पास कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का यही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि क्या गंदे पानी से या गंदे खाने से COVID-19 फैलता है? तो नहीं, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है कि पानी से या खाने से कोविड फैल रहा हो। बट अगेन बाकी बीमारियां फैल सकती हैं, बहुत कॉमनली टाइफॉइड होता है लोगों को पोस्ट कोविड टाइम में, बहुत लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, तो केयरफुल तो रहना ही है। बट कोविड का खतरा पानी से या फूड से बहुत कम है। इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या मच्छर के काटने से कोविड फैल रहा है? तो वंस अगेन इट इज़ नॉट बीन प्रूवन कि किसी भी बाइट से, इंसेक्ट बाइट से या मॉस्किटो बाइट से हम लोगों को कोविड फैलता है। बट क्योंकि अभी डेंगू का टाइम आने वाला है, बरसात का सीज़न आने वाला है, तो बाकी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब मच्छर से फैल सकती हैं जो कि हाई ग्रेड फीवर की तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोविड भी फीवर की तरीके से प्रेजेंट करता है। तो मॉस्किटो बाइट से डेफिनेटली बचना है, बट ऐसा भी देखा नहीं गया है कि मॉस्किटो बाइट से कोविड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसिंग से फैल सकता है या कोविड होने के कितने दिन के बाद हम लोग किस कर सकते हैं? तो यस, किसिंग में बहुत सारा सलाइवा यूज़ होता है या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और हम लोगों को जो भी अभी गाइडलाइंस हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो CDC ये कहता है कि एटलीस्ट 14 डेज आफ्टर सिम्टम्स हम लोगों को फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। सो प्लीज़ अवॉइड किसिंग एंड अवॉइड हगिंग इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट 14 डेज। 14 दिनों तक ये चीज़ ना करें, 14 दिनों के बाद भी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्फेक्टिविटी जो होती है 14 डेज के बाद काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है और आई एम रियली सॉरी फॉर दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। बट अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्या हम डेड बॉडी के पास जा सकते हैं? क्या एक डेड बॉडी कोविड का इन्फेक्शन फैला सकती है? तो इस चीज़ को समझना है, क्योंकि डेड बॉडी सांस नहीं लेती है, एरोसोल नहीं निकालती है, वायरस का स्प्रेड होना बहुत कम चांसेस हैं। तो डेफ़िनेटली आप अपने जो भी प्रिय हैं, जिन जो जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, कोविड की वजह से डिमाइस हुआ है उनका, आप उनसे मिल सकते हो, देख सकते हो। बट सांस लेने से नहीं फैलेगा, बट उनको टच नहीं करना है, उनके ऊपर रोना नहीं है, उनके माथे को किस नहीं करना है, उन्हें हग नहीं करना है। प्लीज़ ये चीज़ों को अवॉइड करिए। बट अगर आप पास में जाके देखना चाहें तो डेफिनेटली इट इज़ परफेक्टली सेफ कि आप अपने प्रियजन को आखिरी बार देखने के लिए या आखिरी अलविदा कहने के लिए आप पास में रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मॉर्टैलिटी हो रही है कि अगर वो सिंगल रूम में है तब तो अलाउड है, तब तो सेफ है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं और बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, तब आपको प्रिकॉशन लेना है और तब शायद अथॉरिटीज़ आपको अलाउ नहीं करेंगी डेड बॉडी के पास जाने के लिए। डेड बॉडी की वजह से नहीं, बल्कि बाकी लोगों की भीड़ जमा होने की वजह से। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, थोड़ा सा इसमें समझना है, थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल रखना है। डेफिनेटली आप मिल सकते हैं, वो आपका राइट है टू से दी लास्ट गुड बाय, बट प्लीज़ कोशिश करके गले लगना, हग करना या किसिंग करना, माथे पे किस करना, ये चीज़ अवॉइड करें। अगला क्वेश्चन है कि बहुत कॉमनली अभी आ रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन के बाद कोविड हो रहा है। तो ये सवाल है कि क्या कोविड वैक्सीन की वजह से RT-PCR या एंटीजन पॉजिटिव आ सकता है? तो इसका आंसर नहीं है, ये एक मिथ है जो भी जहां से आपको पता चला है। देखिए, कोविड वैक्सीन की वजह से एक तो किल्ड वायरस जाता है, उसमें भी कुछ हिस्सा जाता है वैक्सीन में, तो कभी भी वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, वो कभी भी वायरस जो है शरीर में आके रेप्लिकेट नहीं करेगा क्योंकि वो RT-PCR पॉजिटिव नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि RT-PCR डेड वायरस के भी mRNA को डिटेक्ट कर सकता है, बट जो वैक्सीन का जो डोज होता है वो बहुत छोटा होता है,
कि वो एक RT-PCR में डिटेक्ट हो। RT-PCR का सैंपल जनरली नेजल म्यूकोजा से या ओरल म्यूकोजा से लिया जाता है, नाक से या मुंह से लिया जाता है, तो वहाँ तक वायरस को पहुँचने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो अगर डेड वायरस आपके बॉडी में इंजेक्ट किया गया है एज अ वैक्सीन, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, वो खुद नहीं बढ़ेगा, और वो खुद नहीं बढ़ेगा तो वो आपके नाक और मुँह में नहीं जाएगा, तो RT-PCR इस वजह से पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अगर वैक्सीन के बाद आपके RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, प्लीज़ स्टार्ट योर मेडिकेशंस। इस भ्रम में ना रहे कि वैक्सीन की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। एक वजह ये हो सकती है कोविड पॉजिटिव या बुखार आने की, अगर आप वैक्सीनेशन पे गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस टाइम पे आ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं प्लीज़ मास्क पहनिए, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, क्योंकि जब आप उतने लोगों से मिलते हैं तो हो सकता है किसी एक को वायरस हो, और जैसा मैंने पहले कहा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन के लिए जाएँ, प्लीज़ मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और वैक्सीन की वजह से RT-PCR पॉजिटिव नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या हम बाकी वैक्सीन्स को कब लें, अगर हमने कोविड वैक्सीन लगवाई है या हमें अगर कोविड हो गया है तो हम बाकी वैक्सीन्स को कब ले सकते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 14 डेज़ का, अगर आपको कोविड हो गया है या आपने कोविड वैक्सीन रिसेंटली ली है, तो 14 दिन यानी 2 हफ्ते के गैप के बाद आप बाकी वैक्सीन जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या कोई भी वैक्सीनेशन जो अभी आप रूटीन में करते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, ये सब ले सकते हैं। 2 हफ्ते का गैप रखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन जो है वो है एसी के यूज़ को, एसी के इस्तेमाल को लेके। तो डेफिनेटली इसको समझना ज़रूरी है कि दो तरीके के एसी होते हैं, एक होता है सीलिंग एसी जो कि कॉमन होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, होटल्स में होता है, तो वहाँ पे जो कॉमन एसी है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि एरोसोल स्प्रेड हो सकता है। बट अगर आप एक कमरे में अपना पर्सनल एसी यूज़ कर रहे हैं, विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि बहुत ठंडा ना करें, टेम्परेचर जो रेंज हो वो 24 से 30 के बीच में हो, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो, ह्यूमिडिटी होने की वजह से और भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉमनली लोगों ने पूछा है, और फिर से मैं ये चीज़ को बता चुका हूँ, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जो इन्फ्लामेटरी है। ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या CRP बढ़ा हुआ हो तो हम समझ लें कि हमको कोविड है, तो ऐसा नहीं है। CRP, D-dimer, ferritin, LDH, IL-6 ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है, ये किसी भी बीमारी में, किसी भी इन्फ्लामेशन में बढ़ सकते हैं। इसका बढ़ा होना आपको ये नहीं बताता कि आपको कोविड है। टाइफॉइड में, अलग अलग बीमारियों में, सब में बढ़ते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको बुखार है, अगर आप RT-PCR आपके डॉक्टर ने बोला है, तो आप CRP की रिपोर्ट दिखा के मत बोलिए कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। CRP की रिपोर्ट कुछ नहीं बताती है, बस वो ये बताती है कि आपको इन्फेक्शन है। किस चीज़ का इन्फेक्शन है वो ये चीज़ नहीं बताती है, वो किसी भी इन्फेक्शन में बढ़ सकता है। तो इस बात को प्लीज़ समझें कि CRP एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, वो एक सपोर्टिव टूल है, वो एक इनडायरेक्ट इन्फ्लामेटरी मार्कर है। तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है, तो उन सबको ये चीज़ समझना होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स मेरे पास भी आए हैं और ये गलती हुई है, क्या प्रेगनेंसी में ब्लड थिनर्स का रोल है कि नहीं। तो यस, डेफिनेटली है, बट हमें ध्यान ये रखना है कि ब्लड थिनर्स को हम देने से पहले एज अ डॉक्टर हम लोग कुछ टेस्ट करवाते हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है D-dimer टेस्ट। प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी D-dimer का वैल्यू बढ़ जाता है, और हर ट्राइमेस्टर में बढ़ा हुआ होता है, अलग होता है। मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है D-dimer के बारे में, और कितना नॉर्मल रेंज होता है उसके बारे में, वो चार्ट भी मैं अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग है, सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग वैल्यू होती है D-dimer की। तो प्लीज़ अपने मन से तो बिल्कुल मत शुरू करें, अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में 7वें महीने में हो और 1500 आ गया है, तो पैनिक मत करें, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करें, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करें, और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ब्लड थिनर सेफ़ हैं अगर वो सही चीज़ के लिए दिए जाए। अगर वो ऐसे ही दे दिए जाए तो उनका नुकसान भी होता है। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें कि अपने मन से ब्लड थिनर्स नहीं देने हैं, और D-dimer की वैल्यू प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ उसकी वजह से पैनिक ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अभी कॉमन ट्रेंडिंग है, ये कह लो कि आप म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, एवरीबडी इज़ पैनिकिंग, प्लीज़ पैनिक मत करिए। हाँ, म्यूकर माइकोसिस के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हो रहा है, डेडली बीमारी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा फैल जाए, बट इतनी आसानी से नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलनी चाहिए तब जाके म्यूकर माइकोसिस किसी को होता है, बहुत ही रेयर डिजीज़ है। कोविड में थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग इम्यूनोसप्रेसर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डाउट है, तो पहली बात तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप हेल्दी यंग हो, विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज़ हो, तो आपको म्यूकर माइकोसिस नहीं है, वो सिंपल एक हेडेक है, सिंपल कंजंक्टिवाइटिस है, सिंपल स्वेलिंग है, अपने डॉक्टर से पूछें, पैनिक ना हो।
तो म्यूकर माइकोसिस के लिए घर पे बैठे बैठे आप चेकलिस्ट ध्यान में रख लीजिए कि क्या आपकी एज 60 से ऊपर या 50 से ऊपर है, 50 से कम है तो क्या आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, रीनल डिजीज़ है जिसकी वजह से कोई दवा चल रही हो, इम्यूनो सप्रेसर जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्या आपको डायबिटीज़ है, और अगर डायबिटीज़ है तो क्या वो अनकंट्रोल्ड है, क्या शुगर आपका पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, अगर ऐसा है तो क्या आपको कोविड हुआ है, कोविड पहले कुछ दिनों पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कोविड हुआ है तो वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर था, अगर मॉडरेट और सीवियर था तो क्या आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ 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 होता है तब जाके चांसेस बहुत कम होते हैं कि म्यूकर माइकोसिस है। अगर इस लिस्ट में से या इस चेकलिस्ट में से एक भी जवाब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ तो प्लीज़ वरी मत करो, म्यूकर माइकोसिस इतनी कॉमन नहीं है, प्लस उसकी दवा है, सही टाइम पे डायग्नोस होने पे आराम से हो जाता है, बट इतना कॉमन नहीं है, पैनिक नहीं करना है। तो अगर आपको ये सारी कंडीशंस हैं उसके बाद भी आपको लक्षण आ रहे हैं म्यूकर माइकोसिस के, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए और आगे फिर उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट होंगी। आने वाले समय में हम म्यूकर माइकोसिस के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी इस वीडियो के लिए बस इस सवाल का जवाब देना था तो इतना ही। इस वीडियो की अगले पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चंस की भी आंसर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी 15-18 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने पूछा है, तो होपफुली आप लोगों को बहुत कुछ आंसर्स मिल गए होंगे, कुछ नई बातें पता चली होंगी और कुछ मिथ्स जो हैं वो दूर हुई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।